दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं सती ट्रेवल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? दोस्तों अभी हाल में मैं आपको 2-3 दिन से वीडियो के माध्यम से जानकारी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हमारे हल्द्वानी शहर में काफ़ी कर्फ्यू का माहौल है और काफ़ी भयंकर आगजनी का माहौल बन गया था। और इस तरह से तो हम लोग भी अपने घरों पर बैठे थे, मोबाइल नेटवर्क का सिस्टम गायब था। और आज जैसे ही मोबाइल का नेटवर्क आया तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको मैं आज एक नई जानकारी से रूबरू कराऊं। तो दोस्तों आज चलते हैं एक रोज़मर्रा की तरह नई जानकारी लेने के लिए और आपको बताते हैं आज नीप करोली महाराज के एक अद्भुत और चमत्कारिक तीसरे मंदिर के बारे में, जिसका नाम है भूमियाधार संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो चलिए दोस्तों आज आपको जानकारी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों पूर्व में जब भी बाबा नीप करोली महाराज नैनीताल आते थे तो गेठिया भवाली काठगोदाम अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग के बीच भूमियाधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी यानी महाराज जो हैं हमारे इस क्षेत्र में, वही नैनीताल के सत्रह लीलाएं करते रहते थे। वही भंडारे, घर घर डोलना, कीर्तन भजन पाठ आदि के माध्यम से कृपा लीलाओं की धूम मच जाती थी। अब तो उन्होंने भूमियाधार में अपना अड्डा ही बना लिया था। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किच्छा, बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमियाधार पहुंचकर इनकी लीलाओं के पात्र बन जाते थे। अधिकतर रातें सड़कों पर, नालों में, गधेरों, पहाड़ों और बड़े बड़े ऊंचे पुलों के नीचे बीत जाती इन अनगिनत भक्तों के साथ। तो ये बाबा नीप करोली महाराज हमारे भूमियाधार में भी आते थे और वहाँ पर भी अपने भक्तों से मिलते थे और उनके साथ कीर्तन भजन करते थे। दोस्तों शायद ही आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि भूमियाधार जो कि गेठिया के बिल्कुल नज़दीकी एरिया है और नैनीताल से महज भवाली रोड पे 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। ये महाराज नीप करोली बाबा के द्वारा ही स्थापित किया गया है। दोस्तों तब एक भक्त श्री पदम सिंह ने महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकान नुआ भवन को अर्पण कर दिया, जो कि मोटर के किनारे बिल्कुल रोड के किनारे सटा हुआ है। आसपास के हरिजन जो लोग हैं वहाँ पर, वो लोग वहाँ पर निवास करते हैं, तो आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पार्श्व से लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ कुछ टुकड़े दे कर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी का आवास ग्रह तथा भंडार ग्रह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बना दिए गए। तो यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमियाधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्मल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनवाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमियाधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से इधर उधर हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, बहुत दूर दूर तक यहाँ से आना जाना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों ये थी जानकारी भूमियाधार बाबा नीप करोली महाराज के बहुत ही भव्य और सुप्रसिद्ध धाम संकट मोचन हनुमान मंदिर की। आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। अगर आप भविष्य में कभी भी नैनीताल आएंगे तो ये जो जगह मैंने आपको अभी बताई, नैनीताल से महज 7 किलोमीटर दूर भूमियाधार, यहाँ पर भगवान हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है, वहाँ पर जाकर के आप अपने बच्चों को दर्शन कराएं और बाबा जी का आशीर्वाद लें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई रोचक जानकारी लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रेवल्स को। मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय बाय।